अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन 65 बिरयानी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए प्याज फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। 500 ml कुकिंग ऑयल है और ये है 6 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पे बादामी कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है बदल गया, बादामी कलर में आ गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, तेल से अलग कर लेंगे बिल्कुल। तो प्याज को तेल में से निकाल लेने के बाद में हम कोई भी प्लेट वगैरह में खुला डाल कर रख देंगे तो प्याज जो है क्रिस्पी रहती। प्याज को फ्राई कर लेने के बाद में अब हम चिकन मैरिनेट कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम बोनलेस चिकन, 1.5 किलो चिकन है ये। तो हमने लिया है 2 चिकन, 2 चिकन के ब्रेस्ट पीसेस है, इसको क्यूब्स में काट के रख लेंगे और 4 लेग्स भी ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर ऐड कर लेंगे 4 टेबल स्पून, मैदा ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून, थोड़ा सा रेड फूड कलर ऑप्शनल है, आप अगर नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते। दही ऐड कर लेंगे 150 ग्राम, 1 अंडा ऐड करेंगे अब, नींबू का निकाला हुआ रस तो 1 नींबू का रस ऐड कर लेंगे। और अब हम अच्छे से मिला लेंगे ये सब चीज़ों को। इस तरह से हाथों से अच्छे से मिलाएंगे और इसके बाद में अब हम चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हम वही कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे जो हमने प्याज को फ्राई किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अब हम कुकिंग ऑयल को मीडियम हीट पे ही गरम करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। और इसके बाद में चिकन के पीसेस को डालते जाएंगे तेल के अंदर। तो इसको फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पे। तो 15 से 20 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा चिकन। तो इसको हम साइड्स भी चेंज करते जाएंगे इस तरह से फ्राई होने के दरम्यान। अब ये चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो अब हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई के अंदर से। लेग पीसेस को फ्राई कर लेंगे अब। इसको भी अब हम मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। साइड्स भी चेंज करते जाएंगे चिकन के फ्राई होने के दरमियान हम इस तरह से। अब ये चिकन अच्छे से फ्राई हो गया तो अब हम इसको निकाल लेंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद में अब हम यही कढ़ाई में अखनी बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम इसमें से जो तेल है फ्राई किया हुआ चिकन का वो निकाल लेंगे, जितना हमको ज़रूरत है कढ़ाई में छोड़ देंगे। कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे अब 5 से 6 हरी मिर्ची कटी हुई और थोड़ा सा करी पत्ता, और कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे 1 टेबल स्पून, और कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन पेस्ट को भी। और अब हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मुट्ठी भर तली हुई प्याज ऐड कर लेंगे इसके अंदर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, दही ऐड कर लेंगे अब 250 ग्राम, 1 नींबू का निकाला हुआ रस ऐड कर लेंगे अब, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर पुदीना। 5 मिनट के लिए भून लेंगे अब हम मीडियम हीट पे। 5 मिनट तक अच्छे से भून लेने के बाद में अब हम इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो आधा चिकन ऐड करेंगे और आधा बाकी का चिकन हम दम पे डालेंगे चावल के ऊपर। तो चिकन ऐड कर लेने के बाद में 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पका लेंगे हम फिर से।
5 मिनट तक अच्छे से पका लेने के बाद में अब ये यखनी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। चिकन रेडी हो जाने के बाद में अब हम चावल बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम 1.5 किलो चावल है ये, बासमती राइस ली मैं इसके लिए। और अब हम इसको अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। और इसके बाद में पानी रख देंगे, यानी कि अधन 3 किलो साइज़ का भगोना लेंगे हम। 7 लीटर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा मसाला ऐड कर लेंगे, बारीक कटी हुई कोथमीर, पुदीना और 5 से 6 हरी मिर्ची, कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून, नमक 5 टीस्पून, थोड़ा सा गरम मसाला, दालचीनी, लौंग, इलायची, शाजीरा, तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। और अब हम फ्लेम ऑन करके इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो पानी में जैसे ही उबाल आना शुरू हो जाएगा, अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। चावल ऐड कर लेने के बाद में अब हम इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे। और बीच बीच में हम इस तरह से चम्मच से चावलों में हिलाते भी जाएंगे। तो चावल में उबाल आने के बाद में हम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और इसके बाद में हम निथार लेंगे चावलों को। तो चावलों को आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी जिस तरह से निथारना चाह रहे निथार सकते, क्योंकि ये पकी रखने की है। तो चावल को हम अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद में निथार लेंगे इसको। तो ज़्यादा गलाना भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखेंगे हम चावलों को। ये देखिए इस तरह से हम चावलों को रखेंगे, बिल्कुल खुले खुले हैं। तो चावल निथार लेने के बाद में अब हम थोड़े से चावल निकाल कर रख लेंगे लेयर्स देने के लिए, यानी कि आधे चावल निकाल लेंगे हम और आधे चावल भगोने में छोड़ देंगे इस तरह से। अब चावलों के ऊपर अब हम अखनी को डाल देंगे इस तरह से, अच्छे से फैला कर डालेंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे अब इसके ऊपर, बाकी के बचे हुए चावल डालेंगे अब चिकन के ऊपर इस तरह से, अच्छे से बराबर कर लेंगे। थोड़ा सा हरा मसाला डालेंगे, कोथमीर, पुदीना, जो भी आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। थोड़ी सी तली हुई प्याज, चिकन के पीसेस को रखेंगे, जो आधे चिकन के पीसेस को हमने निकाल के रख दिया था वो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा फूड कलर सैफ्रन का ऑप्शनल है, आप लोग अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे हम। तो ये वही कुकिंग ऑयल है जो प्याज को पहले फ्राई किया गया था और इसके बाद में चिकन भी उसी में फ्राई किया गया था। तो अगर आप लोग कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना चाह रहे हैं तो इसके बदले में थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते। और अब हम ढक्कन से बंद कर देंगे इसको, दम पे रख देंगे इसके बाद में फ्लेम ऑन करके 12 से 15 मिनट के लिए लो हीट पे। 12 से 15 मिनट हो जाने के बाद में अब हम ढक्कन निकाल लेंगे और इसके बाद में फ्लेम ऑफ कर लेंगे। चिकन 65 बिरयानी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और इसको सर्व कर सकते दही की चटनी के साथ में। तो आप लोग भी ये चिकन 65 बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।